हेलो गाइस गाइस, यहाँ पर आपको अगर आपका एक्ज्यूमी का कोई सा भी मोबाइल हुआ, यहाँ पर आपको दिखाता है कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवाइटेड एमएमआई कोड। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको कनेक्शन प्रॉब्लम की, ये जो कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवाइटेड एमएमआई कोड है, यहाँ पर कभी भी इसकी दिक्कत नहीं आएगी। रियल रीज़न मैं आपको बताता हूँ इसमें क्यों एक्ज्यूमी के मोबाइल में क्यों आता है। तो यहाँ पर गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता है कनेक्शन प्रॉब्लम, तो आपको देख लेना है कि आपके जो सिम के कनेक्शन है वो बिल्कुल सही तो आ रहे हैं, या आप विलेज में जा रहे हैं या गांव वगैरह में हैं, तो वहाँ पर आपको कनेक्शन प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है। और उसका आगे लिखा हुआ आता है आपको और इन्वाइटेड एमएमआई कोड। जो भी आप कोड डायल कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आप इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ देख लेते हैं, ये दोनों चीज़ सही है, ओके है, तभी आप इस प्रोसेस को देखिएगा। तो यहाँ पर आपको बैक आना है और अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिम सेटिंग्स मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी को भी एक को सिम को भी यहाँ पर आपको डिसेबल करके और इनेबल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कर लेना होगा। और मैंने जैसे कि आप पर आपको बताया है कि अगर आप पासवर्ड सब सही डालते हैं, तो बस अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कीजिएगा और खोलिएगा। यहाँ पर सिम को चाहे तो सिम को भी बंद कर सकते हैं, सिम निकाल के अपने मोबाइल में से दोबारा डाल के उसको जो है चालू करके और फिर अपने कोड को दोबारा मिला लीजिएगा। ध्यान रखिए गाइस, कोड आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हर महीने कोड जो है बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है, अदरवाइज़ आपको इनवाइटेड एमएमआई कोड की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एक्ज्यूमी या किसी भी सेट्स के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि गाइस इसको कैसे सोल्व करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।